हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके तरफ जजमेंट आने वाला है, यानी कि आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन मिली है डिवाइन की तरफ से। आपके पार्टनर के पास स्ट्रेंथ नहीं था तो डिवाइन ने उनको स्ट्रेंथ दिया है, इस यूनिवर्स ने उनको स्ट्रेंथ दिया है। तो और वो नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में है, वो आपकी तरफ स्पीड में घोड़े पे सवार होके तलवार उठा के आ रहे हैं कि अगर रास्ते में कोई आएगा तो उसकी खैर नहीं। और वो दो चीज़ों में जगल कर रही हैं, दो सिचुएशन में जगल रही हैं, थर्ड पार्टी और आप में दोनों में जगल कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसके पीछे वो बहुत परेशान है और रातों को नींद नहीं आती है, वो उठ उठ के रोते हैं, परेशान होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया जिसके लिए वो आपकी तरफ आ नहीं रहे और वो मतलब परेशान है, टेंशन में है, सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे जाऊँ, और वो बहुत कष्ट में है। या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी के साथ इतनी बुरी तरह से वो फंस चुके हैं कि अब उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे और वह बस वो परेशान हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उन्होंने सब तैयारी कर ली थी आपकी तरफ आने की, लेकिन अब वो कैसे आए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंडीशन उनकी थोड़ी सी ख़राब है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इंजॉय कर रही है उनके साथ, वो भी बिना मन के अनमने से उसके साथ एंजॉय करने की एक्टिंग कर रहे हैं। वो सोच के तो यही कहते हैं आपको गोस्ट करके कि थर्ड पार्टी के साथ उनको एंजॉयमेंट मिलेगा, साथ ही अबेंडेंस और सब कुछ उनके लाइफ में आ जाएगा थर्ड पार्टी के पास जाने से। बट सब कुछ तो मिल सकता है, बस दिल का सुकून कैसे मिल सकता है, क्योंकि डिवाइन ने तो यहाँ बांध रखा है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बावजूद इसके वो आपके पास लव ऑफ कप ले करके आना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ पैशनेटली दौड़ के आना चाहते हैं स्पीड में। थैंक यू।